केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को आज 2 फरवरी को रिहाई मिल गई है। 2 साल 4 महीने बाद सिद्दीकी कप्पन को रिहाई दे दी गई है। यूपी सरकार इसमें नाकाम होती हुई नजर आई है। वो कैसे, उसका मैं खुलासा करूंगी और आपको बताऊंगी। इसके साथ ही देखते रहिए जनित आवाज, आपके साथ मैं हूं पूजा। आपको बता दें, सिद्दीकी कप्पन पत्रकार है, केरल से है और उन्होंने हाथरस कांड को कवर किया था और कवर करते टाइम उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। 8 अक्टूबर 2020 को मसूद अहमद, सिद्दीकी कप्पन, अतीकुर रहमान और मोहम्मद आलम को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कप्पन 2 साल 4 महीने बाद लखनऊ जेल से रिहा हुए हैं। हाथरस कांड में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया गया था। जी हाँ, हाथरस कांड को कवर करने वाले सिद्दीकी कप्पन के ऊपर हिंसा फैलाने का आरोप लगा था। वहां का जो माहौल है वो खराब करने के लिए उनके ऊपर आरोप लगाया गया। वहां के सौहार्द को बिगाड़ने का उनके ऊपर आरोप लगाया गया था। आपको बता दूं कि सिद्दीकी कप्पन पे जो आरोप लगाए गए थे वो थे गैर कानूनी गतिविधियों के लिए पैसा जमा करना, दंगे की साजिश रचना, मनी लॉन्ड्रिंग, PFI से कनेक्शन, ये सब बता करके सिद्दीकी कप्पन को गिरफ्तार किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक यूपी सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया है, ना ही ऐसा कुछ भी सबूत पेश किया है जो भड़काऊ था। जिन मामलों पर सिद्दीकी कप्पन पर आरोप लगे थे वो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद निकले। जिन पैम्फलेट्स की बात की गई थी उन पैम्फलेट्स में हाथरस गैंगरेप पीड़िता के लिए न्याय की बात की गई थी। तो आप ये देखिए कि जहां पर न्याय की बात होती है वहां पर उसके ऊपर डंडा चला दिया जाता है और उन लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेलों में भर दिया जाता है। सिद्दीकी कप्पन का भी यही कसूर था कि उसने सच्चाई से पत्रकारिता की और सामने आकर पूरी उस खबर को दिखाया। तो इसी पर जो है यूपी सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ 3 लोग जो थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया, उन पे मुकदमा चलाया गया। 9 सितंबर को सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी गई थी लेकिन रिहाई नहीं दी गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि जमानत मिल जाती है उसके बाद भी, बेल होने के बाद भी रिहाई नहीं मिलती है, उसके 40 दिन बाद सिद्दीकी कप्पन को रिहाई मिलती है। तो आप ये देखिए, और मीडिया जो लगातार गिद्ध की तरह जो हाथरस कांड को दिखा रहा था और उसके बाद जो गिरफ्तार सिद्दीकी कप्पन के ऊपर खबरें चला रहा था, उस मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी क्या थी और वो क्या दिखा रहा था। आज वही मीडिया लगातार सिद्दीकी कप्पन की रिहाई पर जो दिखा रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि यूपी सरकार की एक करारी हार हुई है कि जहां पर यूपी सरकार दावेबाजों के साथ ठोकते हुए मुकदमा दर्ज किया था और जिन पत्रकारों को जेलों में भर दिया था, तो उस यूपी सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ी उंगली खड़ी होती है कि आखिर उस यूपी सरकार ने किस बुनियाद पर इन पत्रकारों को जेलों में भरा था। और यूपी सरकार को जवाब देते नहीं बना है, तो यूपी सरकार की एक बार फिर से करारी हार हुई है और सच्चाई की जीत हुई है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और अच्छा फैसला है कि आज जमानत मिली है सिद्दीकी कप्पन को। लेकिन आप ये देखिए, जब बेल हो जाती है उसके बाद भी 40 दिन बाद जेलों में भरकर रखा जाता है सिद्दीकी कप्पन को और उसके साथ ही जो आज भी जेल में है, और ऐसे ही तमाम लोग जो जिनका नाम मुस्लिम है। खासकर अगर आपको बता दूं कि सिद्दीकी कप्पन का जो कसूर था वो यही था कि उसका नाम मुस्लिम है, उर्दू नाम है, उर्दू नाम से बहुत फर्क पड़ता है, और दूसरा वो सच्ची पत्रकारिता कर रहे थे। आखिर में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस की जो किरकिरी हुई है वो पूरे देश से छुपी नहीं है और आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से यूपी पुलिस की करारी हार हुई है और यूपी सरकार की किरकिरी हुई है। और इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इसी तरीके से और भी जो लोग जेलों में डाले गए हैं, जिनके ऊपर UAPA लगा है, उनके खिलाफ भी सबूत नहीं मिले हैं और उनको साइलेंट कल्प्रिट बता करके जेलों में ठूस दिया गया है, भर दिया गया है। तमाम ऐसे और भी लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जो अभी तक जेलों में बंद हैं, जिनके ऊपर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज है और आज भी वो जेलों में बंद हैं। सच की जीत और झूठ की हार हुई है। इससे एक सबक तो मिलता है कि सरकारें समझ लें कि आखिर कितना आप लोगों को जेलों में ठूसेंगे और कितना झूठे आरोपों में जेलों में बंद किया जाएगा। लेकिन कभी ना कभी तो सच का सवेरा सामने होकर आता ही है। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा।